मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। अबे मस्का नहीं लगाऊंगी तो। ये वाला ब्रश लिया, ब्लू वाला आप लोग सब ने बोला था, क्योंकि ब्लू मैं पहली बार ये वाला लिया है। नया चीज ट्राई करना चाहिए, ब्रश ही तो है, फिर भी सुबह सुबह इसके साथ ही दर्शन होता है, सोचो मतलब कितना मूल्यवान है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चाय के साथ अच्छी वाला ब्रेड के साथ शुगर एक्स्ट्रा लाना पड़ता है, शांतनु को पता नहीं है। ये होता है असली गुड मॉर्निंग संडे वाला, लेकिन इसको देख के पोई का याद आ जाता है। ब्रेड को इसके अंदर डुबो, पूरा डुबाओ, पूरा डुबाओ ना, हो जाएगा सब, चाय पी लेगा, चाय पूरा चूस के एकदम खत्म कर देगा। गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखो अभी मेरा वेलकम से ज्यादा ये आईना है तुम्हारा, वो मिरर वहाँ पे फ्लिप में स्क्रीन पे देख के अपने बाल ठीक कर। पहले सुबह सुबह उठ के ना थोड़ा कंघी भी करना, क्या जरूरत है अभी नहाएंगे। हाँ कभी नहीं करते ऐसे, बाल भी जो लगे रहते। तुमने इतना अच्छा बाल काटा है ना कि मेरा बाल ये करने में जरूरत कंघी का बाल ना औसम काटा है। ऑफिस में मैं ऐसे ही जाता हूँ। अरे अभी तक सेट नहीं हो रहा है, लग रहा है फिर से और एक बार काटूंगी तभी सेट होगा। ये वाला ब्रेड देख के मुझे गोवा का पोई का याद आ रहा है, पोई। स्वीटी सुबह सुबह उठ के मुझे क्या दिखा रहा है पता है, अमेज़न पर रसगुल्ला दिखा रहा है। ये दूध पीना हो गया, सब कुछ हो गया, अभी रसगुल्ला किसको देखने का मन करेगा, वो भी एक पैकेट में 20 रसगुल्ला, मतलब 20 रसगुल्ला खाना पड़ेगा। स्वीटी सोच, काम धंधा है नहीं तेरा ना, एक बास्केट है उसको खाली कर दे, फिर वहाँ से अलमारी तक का सफर उनका तू साथ देगी। हाँ ये सब का कपड़ा का, हाँ ना ना तुम तो नहीं करोगे ना, हाँ तुम्हारा घर का दर्द ठीक हो गया ना। पानी गर्म हो रहा है लेकिन इतना सा पानी है, साफ कर लो ऐसे करके, लेकिन इसका बाहर का जो क्वालिटी आता ना। What is this? We used to be the team, people talk about what a chemistry. I can see it in your eyes. You don't wanna talk anymore. फैन ना देखो, गणपति के टाइम मैंने साफ किया था, सोचो यहाँ पे दिख रहा है काला 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 काला, मतलब कितना गंदा हुआ है। आज संडे शांतनु ड्यूटी पर लग जाओ। हाँ देखो, फैन साफ करना आप लोगों ने मना किया था इसलिए मैं उसके बाद नहीं करती, फिर भी ये मैंने किया था गणपति के टाइम, तो उसके बाद सारे घर का फैन आज शांतनु का जिम्मेदारी में साफ हो गया। ये दीवार पे दिख रहा है बारिश की वजह से वो पपड़ी पपड़ी जैसा हो आया है, मतलब लाइट पड़ रहा है इसीलिए पता चल रहा है, ऐसे तो मतलब निकलेगा नहीं, अगर ठोकूंगी तो ही निकलेगा। पीछे खुदाई करके रख दिया था ना, क्योंकि उसके बाद रिपेयर हुआ नहीं, लॉकडाउन में पड़ गया। और संडे होता है पूरा काम का दिन, मतलब जितना भी काम रहता है वो मैं करके रखती हूँ, जैसा पोटैटो अनियन का डब्बा, वो सारे जगह भी साफ कर लिया, क्योंकि धूल दिख गया तो धूल जब दिख जाता है ना तब जब तक साफ ना करूँ तब तक माइंड पे रहता है। आप लोगों का संडे कैसा गुजरता है बताना ज़रूर, क्या क्या काम होता है उस दिन, क्योंकि इस संडे तो मेरा बहुत ही ज़्यादा ही काम हो गया, साफ सफाई ये सारे स्टोर करना। काम तो करना है, अभी दिखाती हूँ। मेरा ये जो बॉक्स है ना, ये तो देखो पुराने सामान है, इसको मैंने पेंट किया था। फर्नीचर मार्केट वीडियो जरूर देखना, वहाँ पे दिखाया है। आज क्या लगाऊंगी वो दिखाती हूँ। थोड़ा सा मुल्तानी मट्टी, थोड़ा सा चंदन, और ये है मंजिष्ठा, ये एक हर्ब्स होता है, तो ये भी थोड़ा सा मतलब चंदन से थोड़ा सा कम लूंगी। ये डार्क स्पॉट के लिए काफी अच्छा है टर्मरिक,
लेकिन कर्क्यूमिन हाई वाला टर्मरिक यूज कीजिएगा, मतलब टर्मरिक बहुत ही कम है, एकदम थोड़ा सा। मुल्तानी मिट्टी उसका बेस है और मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छा भी होता है, थोड़ा सा और डालूंगी। इसको मैं पानी देके घोल रही हूँ, रोज वाटर से जरूर करना क्योंकि मेरा रोज वाटर खत्म हो चुका है, तो ऑर्डर दिया है, रोज वाटर से ही डेली करती हूँ। और कोशिश करूंगी सारे प्रोडक्ट का लिंक देने के लिए, सारे डब्बियां ना रखती हूँ तो याद आता है, क्योंकि मैं किचन पे भी क्यों रखती हूँ, एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना बाथरूम में आप रखोगे ना सारे सामान फंगस लग जाता है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे किचन पे रखना पड़ता है और याद भी रहता है। जैसे यहाँ पे ये तो सारे खाने का सामान, वहाँ पे सारे ये फेस पैक रिलेटेड सामान के लिए। और इसको अभी लगाऊंगी ब्रास की बर्तन में, कोशिश कीजिएगा कोई भी कटोरी वगैरह जो ब्रास का होता है उसमें बनाने के लिए, बहुत अच्छा होता है ये। एक हेयर बैंड जरूर लगाना, नहीं तो जो हेयर होता है ना, या तो आप कपड़े का भी कुछ लगा सकते हो, क्योंकि पहले भी काफी सारे टैन रिमूव के लिए, मेरा फेवरेट एक है काजू का एक प्लेलिस्ट है स्किन केयर का, ये जो मंजिस्टा वाला ये मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। लॉकडाउन है, कोई फेस्टिवल उतना त्योहार बाहर नहीं जा पा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं स्किन को आपको केयर नहीं करना है, जितना केयर आप टम्मी का भी करते हो ना खाना खा के उस उतना ही केयर स्किन का भी करना है, क्योंकि ये आपके साथ रहेगा, आप ही के साथ रहेगा। देखो चंदन का गुण तो सभी जानते हैं, लेकिन मंजिस्टा ना वो जो स्पॉट मेरे यहाँ पे देखा ना था पिंपल्स की वजह से काफी ब्लैक ब्लैक छोटा छोटा स्पॉट हुआ था, उसके लिए वो पूरा रिमूव हो रहा है। और पफिनेस होता है ना हमारे, देखना फेस पे कभी कभार फूला फूला टाइप का लगता है सुबह में उठने के बाद, या कभी कभार लगता है बॉडी में हर दिन चेंज होता रहता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और एकदम जस्ट लास्ट में दो तीन चार मिनट पहले आई के नीचे लगाया था, लेकिन इसको ड्राई नहीं होने देना है। और अभी आपको हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको रब करना, जैसा स्क्रबर यूज करते हैं लेकिन हल्के हाथ से। और जस्ट एक जो क्रीम आप यूज करते हो, हाँ लेकिन क्रीम लगाने से पहले भी रोज वाटर जरूर लगा लीजिएगा इस तरह से दब दब करके। और भी क्या आप लोगों का डिमांड है जरूर बताना, तो मैं आगे आने वाले दिनों पे शेयर करूंगी। और हमारे भूत को देख लो, डरना मत, सिटी ऐसे करके मुझे डराती है, सुखा लेती है पूरा, इतना भी सुखाना नहीं चाहिए सिटी। जब देखो आप लोगों को डरा रहा है, जा सेम मैं जो फेसबुक लगाती हूँ वो भी स्वीटी को लगाती हूँ, और एक्स्ट्रा कुछ है वो शेयर करूंगी। हो गया, जाओ जाओ भूत, चमकदार टाइप का लगता है फेसबुक लगाने के बाद, स्पेशली चंदन और मंजिस्टा का अगर फेसबुक लगाओगे। हल्दी तो है ही, हल्दी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है मेरे फ्रेंड, हो खुद का केयर जरूर करना। Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but. आज ये वाला ड्रेस पहना, सूटी वाला सारे ड्रेस नहीं तो सड़ जाएगा। इस तरह से लॉन्ग ड्रेस है, सिंपल वाला। 5 से 6 साल का होगा या उससे ज्यादा ही होगा। यहाँ पे मैंने दही लिया है, उसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली कुटी हुई, जीरा पाउडर मतलब क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट, अनियन को फ्राई करके रखा था वो, और ये मैरिनेशन बन गया है। इसमें मैं हिल्सा फिश यूज कर रही हूँ, आप कोई भी फिश यूज कर सकते हो, लेकिन ये बेसिकली हिल्सा फिश के लिए है, इलिस जो बोलते हैं। जस्ट इसको मैरिनेट करके 5 मिनट रखना है। और बरिस्ता जिस तेल में मैंने फ्राई किया था उसी तेल में मस्टर्ड ऑयल पे स्लाइस अनियन को फ्राई करना है, हल्का सा हल्का सा। फ्राई करने के बाद लौंग, इलायची, दालचीनी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च और तेज पत्ता। और यहाँ पे अनियन जब हल्का सा गोल्डन टाइप का हो जाएगा उस टाइम पे जिंजर और अनियन पेस्ट। यहाँ पे मैंने बासमती राइस को भिगो के रखा था 1-1.5 घंटा, 5 मिनट फ्राई करना है, और थोड़ा थोड़ा मैरिनेशन के साथ फिश को फ्राई करना है। और जितना राइस है उसका डबल पानी भूनने के बाद, सॉल्ट अंदाजा से, राइस के अंदाजा से, और भूनने के टाइम जरूर ध्यान रखिएगा नीचे लग जाने के चांसेस रहता है। और इसको अभी दम पे 10 मिनट। आज आप लोगों के लिए स्पेशल कुछ रेसिपी, कुछ फ्रेंड का डिमांड था, मैं इलिश मास दिखाओ, इलिश मास का नया कुछ रेसिपीज दिखाओ। एक्चुअली इलिश मास यहाँ पे उतना इजीली मिलता नहीं, मिलता है तो छोटा सा, इसको टेस्ट नहीं होता। ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, स्पेशली ये थोड़ा अलग टाइप का रेसिपी है, और इसको जस्ट हल्का सा फ्राई करना है, मतलब आपको लगे हाँ फिश फ्राई हो चुका है, बी केयरफुल, लेकिन फिश बहुत सॉफ्ट होता है, फिश को उठा कर भी रखना है।
और मैरिनेशन के जो बाकी मसाला है इसी तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा। ये दम होने के बाद ये आधा राइस को उठा के रखना है, और अभी फिश जो फ्राई करके रखा था वो बी केयरफुल, बहुत सॉफ्ट होता है, टूट जाएगा। और जो मसाला थोड़ा सा फ्राई करके रखा था, और अभी जो बाकी राइस है वो, अभी जो तेल और वो जो मसाला है, क्योंकि ये तेल फिश का तेल है, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत फ्लेवरफुल है। थोड़ा सा मसाला इधर उधर, एकदम स्लो फ्लेम में इसको अभी दम पे देना है, 15 मिनट देना है। अगर आपका बर्तन पतला है तो नीचे तवा के ऊपर जरूर देना, जैसा बिरयानी बनाते हैं वैसे, लेकिन ये बिरयानी नहीं है। ये जो पत्ते है ना पीला पीला, ये सब हटा देना है, तभी वो पौधा अच्छा रहता है। ये देखो, सुबह में मैंने कुछ हटाया था, अभी भूल गई थी, उसके बाद मैंने सोचा अभी बाकी जो है। ये बैम्बू का प्लांट ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ब्राइट, अगर धूप में रखोगे ना, और इसको ज़्यादा केयर भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उसको पानी दे दो बस। खाना चढ़ा के आई हूँ तो सोचा ये सब थोड़ा सा मतलब देख लूँ। देख के तो लाइट भी एकदम, सोच रहे हैं मैं क्या स्मेल तो मिल रहा है आप लोगों को। हाँ, थोड़ा सा बरिस्ता अगर बच जाए ना वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, लेकिन मैंने डाल दिया, कोई और बना लूंगी। कैसा खुशबू आ रहा है स्वीटी, क्या गंध आते ना, क्या फटाफट ही बोला पूछा था पड़वा में, मतलब जो स्मेल आ रहा है ना, क्या क्वेश्चन बोल के बुझा नहीं सकते हैं। स्वीटी का एक क्वेश्चन, इलिश माछ में इतना कांटा क्यों है, वो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी। मेरा फेवरेट फिश है हिल्सा, ये तो मस्ट ट्राई एक रेसिपी है, अनोखा रेसिपी का पीस। ए देखो, पीस तो इसके साथ नहीं खाया जाता है, खाया जाता है ऐसे करके। वो अभी स्ट्रगल करेगी इलिश पांच के साथ। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है इलिश पुलाव, ये बिरयानी नहीं है, पुलाव है, जरूर ट्राई करना। मतलब सिर्फ राइस ही खा सकते हो, एक पीस हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन राइस जो इसका टेस्ट ही है ना, इलिश का फ्लेवर पूरा चला गया। हाँ, राइस ही असम बना ना, बचपन नीचे खा, खुद सीखो। खाना खाने के बाद ना इतना जब बर्तन धोना पड़ता है ना, तब लगता है खाना ही क्यों खाया, पूरा किचन को भी साफ करना पड़ता है, क्योंकि फिश बना है। अब मेरे पीछे ये डिस्टर्ब कर रहा है तब से। हेलो फ्रेंड्स, अब तो कैसे हो, बताना जरूर। हाँ जरूर बताना, स्पेशल लाइक आज के लिए, संडे के लिए, संडे लाइक, संडे इज फंडे, संडे इज फंड है, कौन सा मेरा फंड कौन सा होता है। मैं तो सुबह से काम ही कर रही हूँ, सुबह से उठ के अभी मुझे लग रहा है, मुझे मैं इसके लिए तो खुद सो चुकी हूँ, सारे सामान वो नीचे का ड्रायर निकाल के सब, मतलब बोलते ना संडे मेरा ज्यादा काम। इसके लिए तो हर दिन ही फंडे होते हैं। किसके लिए? बोंदू के लिए। बोंदू के लिए, बोंदू तो चिल आउट करता है, एंजॉय करता है, चिल बोंदू, चिल बोंदू। वाह, ये होता है आज का नजारा। Tell me that you're different. This is when you try to make me fall. आप सब कैसे हो, बताना जरूर, बहुत दूर हो आप लोग। हंसना मत, एक इतना सा तेल के लिए इतना बड़ा सा डब्बा, वो भी क्या सनफ्लावर ऑयल ऑर्डर किया था, आया है ग्राउंड नट ऑयल, रिटर्न जाएगा सीधा, बाय बाय तुमसे, पैसा फेरो। कौन तुमको पैसा फेरो दे रहा है, अमेज़न फेरो देगा। अरे वही, मतलब उसके बदले दूसरा आएगा। इसमें है चना दाल, इसमें होगा तेल वेल कुछ, इसीलिए मैं ना ये सुबह से डब्बा आया है, मैं खोला नहीं, मैं बोला इसको कौन खोलेगा। हमारे गंगू भाई को देख लो, गंगू भाई कितना स्मार्ट है, हेडफोन से कौन सा गाना सुना जा रहा है वो भी तो गंगू भाई बता दो। अंग्रेजी वाला गाना गा रहे गंगू भाई, हमारे गंगू भाई बहुत स्मार्ट है, लेकिन हाँ एकदम नीचे तो शॉर्ट्स पहना हुआ है, उसके साथ साथ अभी मॉडर्न गंगू भाई अभी साड़ी पहनना थोड़ा छोड़ दिया ना है। गुलाबो फ्रेंड है आपका, उनसे मिल के जाना है। हमारे गंगू भाई ऐसे काम करती है, मतलब बाइको मीन्स वाइफ,
तो पहले पहले मुझे समझ में नहीं आता था, मंदा की मम्मी पहले आती थी काम करने के लिए, तो सब उनको बाय बुलाते थे, तो मैं सोचती थी शायद उनका नाम होगा, तो उसके बाद उन्होंने बोला नहीं नहीं वाइफ को बोला जाता है, हमारे वहाँ पे जैसा बंगाली में बोलते हैं ना बहू, वाइफ को बोला जाता था बहू, लेकिन वो तो बाद में चेंज हो गया, बहू नहीं बुला सकता, खुद का नाम से पुकारो, ऐसा हो गया। तो लेकिन मुझे बाई को मुझे बहुत अच्छा लगता है, वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिना शादीशुदा वाला बाई 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 को है। हाँ ए तुमको सुनाई दे रहा कुछ पीछे पीछे ना, मैं गाली भी दे रही हूँ। अच्छा तुमको गाली भी सुनाई दे रहा है? अब हमारे और सिटी का गाली मतलब छुचो, इंदूर, बिड़ाल, तो सुअर, मतलब छुचो मीन्स क्या बोलते हैं उसका, मोल, मोल, चूहा, उसके बाद क्या बोलते पिग, हमारे ऐसे ही गाली होते हैं, मतलब मैंने सीखा है ऐसे ही छोटा छोटा वाला गाली। सातर बोलते तो वैसा गाली नहीं है, लेकिन मैं तो अपने बचपन मतलब मैं गाली वाली सीखा नहीं हूँ, कभी सीखना भी नहीं चाहिए, बैड लैंग्वेज होता है। लेकिन गाली बोलता बोलू नहीं बाबा, इसका तो बाबा दिमाग में भी नहीं आता, ये भी गाली नहीं होना चाहिए, वो भी मतलब बेचारा एनिमल है। अब हम लोग क्या बोलते थे पता है, वो भी तो हमें मनुष्य बोलकर गाली देगा, बोलो हाँ वो भी है, हमारी ऐसी छोटी छोटी कहानियां है। बाइको के लिए लाइफ टैग बनता है ना, हाँ हमारे मिनी बाइको। यहाँ पे मैंने अनियन को मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करके उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट दे के मतलब कुटी हुई, उसमें टोमेटो थोड़ा ज़्यादा करके, सॉल्ट और इसको भी सॉफ्ट करना है, हल्दी, चना मसाला, फोकस नहीं हुआ, सोचो क्या बन सकता है, अरे हमारे देसी चीज़ साबा फिर से फोकस नहीं हुआ, और इसके अंदर चना, वन ऑफ माई फेवरेट चीज़, लेकिन शांतनु बोलता है ये घोड़े का खाना है, तभी चना बोलो घोड़े का खाना है। अच्छा ये घोड़ा नहीं, अच्छा छोले नहीं खाते, अरे हाँ इसका नाम है छोले, सॉरी मैंने चना बोला था। पानी थोड़ा ज़्यादा करके और इसको धीमी आंच पे 40 मिनट्स, तभी वो अच्छा वाला सॉफ्ट होता है। ये दिख रहा है कलर, तिल झोल, अरे छोले छोले होता है, इसके साथ हमारे थोड़ा बच जाए ना ये पनीर एक्स्ट्रा होता है, अभी दूध सुबह से नहीं खाया तो मतलब तो ना थोड़ा सा बहाना मिल जाता है पनीर बनाने का, दूध ना खाओ पनीर बनाओ, अच्छा लगता है छोले। और इसको थोड़ा सा बॉयल किया, हम लोग थोड़ा टाइट टाइट खाते हैं छोले, मतलब थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा टाइप का, ये और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा बस, जब छोले का खुशबू आ रहा है ना, छोले मसाला का पॉसिबल होगा तो लिंक देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि स्वीटी के हिसाब से ये छोले मसाला वन ऑफ द बेस्ट मसाला। आज मोहिती को कितना भूख लगा देखो, सब रोटी खाएगी और ये पूरा छोले, पूरा प्रेशर कुकर लेके बैठ गई है, ये पूरा छोले और ये सब। शांतनु मेरा बेइज्जत के ऊपर बेइज्जत, मैं दो रोटी खाता हूँ, ये मेरा इतना खाएगी आज, तुम खाते हो, खुद लिया तो तुमने खुद लिया और ये इतना खुद इतना लेगी। अच्छा कुछ खाया नहीं इसलिए बहुत जबरदस्त भूख लग गया, हम लोग सिर्फ इतना इतना दिया हाँ। और बाकी सब पूरा पूरा ले लिया, पहचानते हैं वो जानेंगे। चलो चलो अभी जब मोहिती पूरा किचन से गई थी तब अभी जब मोहिती पूरा ये फिनिश कर देंगे ना तब दिखाऊंगा आप सबको। ये देखो सब रोटी साफ कर दिया, फिर से अभी लिया एक शुद्ध देसी गाय का घी, ये देखो इतना सारे शुद्ध देसी गाय का घी, विदेशी गाय का नहीं है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, उल्टा आपको कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में हेल्प करता है, तो देसी शुद्ध, लेकिन देसी गाय का, देसी गाय का घी, जर्सी गाय का नहीं। इतना सारा दिया था मुझे, मस्का लगाने की जरूरत नहीं, अभी मस्का नहीं लगाऊंगी तो खाने में टेस्टी नहीं लगेगा, बन के ऊपर बटर जब तक ना लगाओ, मस्का मीन्स बटर को बोल रही हूँ, तुम बन नहीं हो ना, तुम के तुम्हारे अंदर जितना मस्का लगाऊंगी तुम उतना काम करोगे। ज्यादा मस्का भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मस्का और घर का घी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। वीडियो किसी भी रीजन पे अच्छा लगा लाइक जरूर करना, अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।